नमस्कार, आज हम बाराबंकी आए हैं। लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिला है, लोकसभा सीट भी है। पिछले दो बार से भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत रही है। दोनों बार दो कैंडिडेट थे, तीसरी बार तीसरे कैंडिडेट राजरानी रावत यहां से जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। वैसे तो टिकट उपेंद्र रावत जो पहले सांसद थे उनको मिला था, लेकिन उनका एक कथित अश्लील वीडियो जारी हो गया जिसकी वजह से उन्होंने टिकट चुनाव लड़ने से मना कर दिया और कहा कि जब तक सार्वजनिक जीवन में वो निर्दोष, जब तक ये वीडियो गलत साबित न हो गया तब तक वो सार्वजनिक जीवन में नहीं लौटेंगे। देश भर में अब धीरे धीरे, हालांकि बहुत कम दिन, 12 दिन के आसपास ही बचे, लेकिन अब धीरे धीरे देश में चुनाव का माहौल बन रहा है। पहले चरण के मतदान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम विरोधी दलों के नेता आप देखिए जा ही रहे हैं, और इसी के साथ पाकिस्तान की और मुसलमान की, मुस्लिम लीग की एंट्री भी हो गई है। अब आगे के चुनाव में ये और ज़्यादा आपको दिखाई देगा। बहरहाल, ज़मीन पर क्या मुद्दे हैं और बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में, हालांकि चुनाव तो अभी देर होना है, लेकिन माहौल क्या है ये जानने के लिए मैं इधर आया। धूप इन दिनों खूब पड़ हो रही है और कुछ लोग यहाँ बैठे मिल गए तो मैंने सोचा यहीं शुरू करें। दादाजी, क्या हाल चाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और माहौल क्या है? माहौल तो जब तक मशीन है तब तक मोदी है। हा? जब तक मशीन है तब तक मोदी है। बहुत सही, आधार भिजवा देना। ये कौन बात आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, जब तक मशीन है तब तक मोदी है। क्या नाम है आपका? परशुराम। परशुराम जी, ये बाकी जगह बीजेपी, देखिए मैं मशीन में क्या है क्या नहीं, मैं उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ ना, मुझे बहुत जानकारी है। उस पर सवाल उठाने वाले लोग तरह तरह की बात कहते हैं कि VVPAT को ऐसे सेट किया जा सकता है कि 7 सेकंड तक आप जो वोट दिए वो दिखाई दे, दूसरा आदमी आए तो वही दिखाई दे, जबकि वोट दूसरे, तमाम तरह के EVM पर शंका सुबह दिखाने वाले लोग हैं। लेकिन जो नतीजे बताते हैं, आप जाते हैं, नतीजे जो हैं वो करीब करीब उसी तरह के आते हैं जैसा जनता में समर्थन होता है, जैसा वो चाहते हैं। बीजेपी वाले जैसा चाहते हैं वैसा नतीजे आते हैं। तो क्यों नहीं बंगाल में आ गए वैसे? देखो, ऐसा वहाँ उनकी दाल नहीं गल रही है, वहाँ नहीं गल रही है दाल उनकी, और न गलेगी वहाँ। दिल्ली में क्यों नहीं EVM? देखो, जहाँ जानते हैं कि हमारी स्थिति खराब है वो वैसा वहाँ नहीं करते हैं। तो कहाँ करते हैं आपके दिमाग से? ये वो अपने बाकी जगह जीतने के लिए वो अपना इंतजाम कर लेते हैं। ये आपको कैसे पता चला? पता, और आपके दिमाग में ये बात कैसे आई EVM पर शंका की? भाई ऐसा है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट खड़ा है खुद और उसके घर के 12 वोट हैं और काउंटिंग में उसका एक भी वोट नहीं आया, तो ये क्या है? ये है क्या? ऐसा कहाँ हुआ है? बहुत जगह हुआ है। आपके जानने में हुआ है? हमारे जानने में हुआ है। तो उसके घर वाले नहीं खुश होंगे चुनाव लड़ने? ना, और ऐसे चुनाव हो जाए तो यहाँ से पुनिया के लड़के तनुज पुनिया कोई हराने वाला नहीं है। ये सही होगा तो किस वजह से? इतना वोट है उसका यहाँ। वोट के अलावा दूसरी चीज ये है कि ये दो कार्यकाल जो भाजपा के रहे, इन 10 सालों में बाराबंकी जनपद को कोई भी काम नहीं उस तरीके से मिला। खाली PL पुनिया के आने के बाद में जो बाराबंकी जनपद की सबसे बड़ी समस्या रही, देवा रोड पर क्रॉसिंग का, डबल क्रॉसिंग, दो रेलवे ट्रैक निकलते थे उसका ओवरब्रिज देने का। दूसरे ओवरब्रिज के लिए PL पुनिया जी ने कोशिश की थी और वो आई थिंक अप्रूव भी हो गया था, लेकिन इन 10 सालों में ये नहीं हुआ कि कम से कम बंकी रेलवे क्रॉसिंग का ओवरब्रिज कम्प्लीट करा दिया जाए। इन 10 सालों में अगर मैं बात करूँ सीधी सी बात, मोटी मोटी बात जो जनता की नज़रों में आनी चाहिए, बाराबंकी जनपद के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ये जो लोकसभा चुनाव आप देख रहे हैं, ये चुनाव कैंडिडेट्स का हो रहा है कि मोदी जी को चुनना और मोदी जी को हटाने पर हो रहा है? देखिए, कैंडिडेट्स चुनना तो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। कारण क्या है कि कैंडिडेट्स हमारे बीच में रहेगा, मोदी ने हमारे बीच में नहीं रहेंगे, तो हम कैंडिडेट्स को चुनेंगे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अब 2014 और 2019 में देश मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुन रहा था, आप मानेंगे कैंडिडेट चाहे कोई हो? देखिए, 2014 में चुन रहा था, 2019 में नहीं चुन रहा था, क्योंकि ये 2019 का सवाल अगर आपने पूछा है तो सवाल उस
बेसिस पर भी होना चाहिए। जैसे कल एक घटना निकल करके आई कि पश्चिम बंगाल में NIA टीम पर हमला हुआ। मामला क्या था? सिर्फ एक घर की छत का उड़ना और 3 लोगों की मौत का हो जाना। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी ने पूरी पूरी टीम भेज दी, लेकिन वहीं पर पुलवामा में अटैक हुआ, वहां पर 42 CRPF के जवान शहीद हुए और NIA सोई हुई पड़ी हुई है। तो अब ऐसे में जो चीज़ें हैं निकल करके आती, जिन पर आप आकलन करने के लिए बैठेंगे, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम मोदी को चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। अरे हम ये जानना चाह रहे हैं कि कैंडिडेट्स पर चुनाव, मैंने पहले ही बताया ना कि हम कैंडिडेट ऐसा तो नहीं है कि जमीन पर 10 साल मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर होने के बाद अब जमीन पर लोग 10 साल के सांसद या 10 साल से उनका अब ये आकलन कर रहे हैं कि नहीं भाई सांसद पहले देखो प्रधानमंत्री बाद। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस समय क्या नाम है, मुझे अतुल श्रीवास्तव बोलते हैं।